हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY ग्लास स्किन रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और ग्लास स्किन बना सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो ईजिली आपको आपके घर में मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हो गई हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लास स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY ग्लास स्किन रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो हमें इजीली मिल जाएंगे और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो बात करते हैं कि इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बोल लेना है, उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को क्लियर बनाएगा। और सर्दियों के मौसम में वैसे भी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा। तो आप इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून शुगर पाउडर। आपको क्रश्ड शुगर पाउडर लेनी है। थोड़ा सा आप दरदरा कर लीजिए अपनी चीनी को और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। शुगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, स्किन पे स्क्रब का काम करेगी, साथ ही साथ स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और क्लियर बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें ग्लिसरीन या फिर आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन को ड्राइनेस को दूर करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और स्किन से दाग धब्बे, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको उसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ सा क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा सा जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, तो उसको थोड़ा सा हमें रनी बनाने के लिए क्या करना है, मैं इसमें 1/2 चम्मच लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जो आपको थोड़ा सा आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा थिक पेस्ट हो गया है तो आप इसमें 1/2 चम्मच लेमन जूस ऐड कर लीजिए और अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि लेमन जूस डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की लगनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए। तो अब हमारी DIY ग्लास स्किन रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसको अब यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, अच्छे से रिमूव हो जाए। और मैंने इस रेमेडी को एक कंटेनर में डाल दिया है। आप इसे कम से कम 5 से 6 दिनों तक, इजीली 1 वीक तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, तो आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इस रेमेडी को आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और उसके बाद अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है। ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, डल रहती है, तो आपकी स्किन सर्दियों के मौसम में भी बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इस पैक को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है मेरी स्किन। तो आप इस DIY ग्लास स्किन रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाएगी, ग्लास स्किन बनाएगी, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।